नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल लॉजिक में आपका तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला सरले परिवार के सिलसिले में। जी हाँ, अगर अब हम बात करें सरले परिवार में, बहुत सारे लोगों ने पैसे इन्वेस्टमेंट किया और सरकार भी इन कोशिश में लगी हुई है कि जिन निवेशकों ने अपने खुद पसीने की कमाई इन कंपनियों में लगा दिया, उनके पैसे भी जल्द से जल्द उन्हें मिले। सरकार ने निवेश करने वाले करोड़ों निवेशकों को काफ़ी तनाव में देखा है और ऐसे में लोग अपने डूबे हुए पैसे को वापस पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर हम बात करें इस बीच में बिहार के गोपालगंज जिले से इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। गोपालगंज में कंज्यूमर फर्म ने सहारा इंडिया को जमा की गई राशि का भुगतान 9% ब्याज के साथ करने को कहा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है फ्रेंड्स, सभी इन्वेस्टर्स के लिए। बिहार के गोपालगंज जिले से लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। गोपालगंज में कंज्यूमर फर्म ने सहारा इंडिया को जमा की गई राशि का भुगतान 9% ब्याज के साथ करने को कहा है। इतना ही नहीं, फर्म ने कंपनी से वादे को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति की भरपाई करने का आदेश भी दिया है। इसके लिए कंपनी को 10,000 रुपये और देने होंगे। वादी ने फर्म में दायर अपनी याचिका में सहारा इंडिया पर समय पूरा होने के बाद भी प्लान के मुताबिक भुगतान न करने का आरोप लगाया है। सहारा इंडिया ने हाल ही में विभिन्न अखबारों में एक विज्ञापन के जरिए सेबी को घेरने की कोशिश भी की थी। अपने ऊपर लग रहे गबन करने के आरोपों से पल्ला छाड़ने की कोशिश करते हुए इन विज्ञापनों में सहारा ने कहा था कि उनके 25,000 करोड़ रुपये सेबी के पास हैं, फिर भी वह निवेशकों को पैसा लौटा नहीं रही है। सहारा ने कहने का मतलब था कि निवेशकों के पैसे अब सेबी के पास से लिहाजा उसे जल्द से जल्द भुगतान करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो सहारा और सेबी के सिलसिले की बात थी और मैं आपको इस रिलेटेड जितनी भी नई अपडेट्स आती रही मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तब तक लीजिए, चैनल को धन्यवाद।